कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट। एज यूजुअल, जैसा कि हम आपको हर लेसन में कहते आए हैं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में अपना ख्याल रखिए और अपने को सुरक्षित रखिए, लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कीजिए और अपने स्टडी पर भी फोकस कीजिए। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि फाइबर का माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कैसे करते हैं, फाइबर का फिजिकल टेस्ट कैसे करते हैं, और अब इस चैप्टर में हम लेकर के आए हैं कि फाइबर का यानी रेशे का केमिकल टेस्ट कैसे किया जा सकता है। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि कपड़ों की क्या क्वालिटी है, और इसी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम चाहे फिजिकल टेस्ट करें, चाहे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करें और चाहे केमिकल टेस्ट करें। केमिकल टेस्ट के लिए बच्चों ये जानना जरूरी है कि केमिकल टेस्ट जो है वो लैब में क्रिएट किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ कुछ एसिड्स होते हैं, अल्कलाइज होते हैं, और उसके क्या इफेक्ट आते हैं ये देखने के लिए बहुत एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए केमिकल टेस्टिंग जो है वो घर पर करना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है। तो इसलिए पहले क्या होता था कि जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह होती है या वहाँ पर जहाँ पर गारमेंट की दुकान होते हैं और इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर ही लैब होता है और रेशे की क्वालिटी को इन केमिकल्स के थ्रू चेक किया जाता है, और केमिकल टेस्टिंग करके ये पहचान की जाती है कि किस फाइबर पर किस एसिड का या अल्कली का, एसिड मतलब अम्ल का, अल्कली मतलब क्षार का, अम्ल क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके चलेंगे कि सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ऑन एसिड, एसिड का डिफरेंट फाइबर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसमें आप देख रहे हो सबसे पहला है कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल, रेयन, नायलॉन। एक बार हम लोग रिपीट कर ले, कॉटन लिनन ये वेजिटेबल फाइबर है, सिल्क वूल ये एनिमल फाइबर है, रेयन मैनमेड फाइबर है, और नायलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले कॉटन पर क्या इफेक्ट होता है एसिड का। सब इसमें क्या होता है ना कि जब कॉटन पर कोई एसिड अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि पहले वो कॉटन का रेशा कलरलेस यानी वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है, और बाद में उसी एसिड में क्या होता है वो घुल जाता है, यानी कि जो भी हमारे वेजिटेबल फाइबर हैं उन पर एसिड का बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है कि अगर कॉटन का रेशा ले और उसे एसिड में डिप करें तो एसिड में घुल करके वो रेशा पूरी तरह से घुल जाता है और कलरलेस हो जाता है। सेकंड हम लोग चलते हैं लिनन की तरफ। लिनन भी जो है चूंकि वेजिटेबल फाइबर है इसलिए इसका एसिड, इस पर एसिड का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और सबसे पहले तो इसका कलर खराब हो जाता है एसिड के इफेक्ट से, ठीक है, और रेशे जो है ये रेशा कड़ा है इसलिए इसके रेशे जो है वो अम्ल में धीरे धीरे करके घुलते हैं, यानी ये कहने का मतलब है कि लिनन फाइबर भी जो है वो एसिड में पूरी तरह से घुल करके खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेजिटेबल फाइबर के बाद एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क और वूल है। तो हम सबसे पहले सिल्क देखते हैं, ठीक है, कंसंट्रेट एसिड अगर हम लेते हैं है ना, तो उसमें ये रेशे सिल्क के वो बहुत जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट ले तो वो रेशे सिल्क के उसमें धीरे धीरे घुलते हैं, यानी कि कंसंट्रेट एसिड का सिल्क पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, और अगर इस सिल्क पर एसिड का यूज करना है, पहले तो करना नहीं है, कम करना है, अगर करना भी है तो उसको क्या करते हैं डाइल्यूट बना लेते हैं, तब उस एसिड का यूज करते हैं। अगला है वूल। जैसा कि वूल में देख रहे हो इसके रेशे एसिड में घुलते नहीं है बल्कि क्या होते हैं फूल जाते हैं, क्या होते हैं फूल जाते हैं, यानी कि इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इसके रेशे पूरी तरह घुल करके खराब नहीं होते, बल्कि ये एसिड में डिप करने पर इसके जो रेशे होते हैं ये फूल जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं रेयन फाइबर पर। रेयन फाइबर पर क्या होगा, गर्म और ठंडे जो कंसंट्रेट एसिड होंगे उसमें ये रेयन और नायलॉन पूरी तरह से क्या होते हैं घुल जाते हैं, यानी कि ये रेशा पूरी तरह से डिजॉल्व होकर के खराब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसिड का इफेक्ट वेजिटेबल फाइबर पे और सिंथेटिक फाइबर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, बल्कि सिल्क और वूल पर हम
क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट बना करके एसिड का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑन अल्कली यानी क्षार का डिफरेंट फाइबर्स पर यानी कॉटन, लिनन, सिल्क, वूल, नायलॉन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि कपास पर, कॉटन पर, कॉटन पर क्या है कि हम लोग जो है कॉटन को धोने के लिए या कॉटन पर फिनिशिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग क्षार का यूज करते हैं, अल्कलाई का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर कोई, कॉटन पर कोई भी इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ज्यादा अल्कलाई यूज कर, जैसे आप सोडा यूज करते हैं या साबुन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो फिर इसके रेशे धीरे 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 जाकर के क्या करते हैं, बहुत कमजोर होते जाते हैं। यानी कि अल्कलाई यानी कि आपका जो है क्षार, ये कॉटन के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि एसिड जो है कॉटन के लिए खराब माना जाता है। इसी तरह से हम लिनन को अगर देख ले, तो लिनन पर एसिड अल्कलाई का यानी क्षार का कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। यानी लिनन पर हम जो है अल्कलाई को पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सिल्क पर आ जाते हैं। सिल्क पर एसिड के बजाय आपका जो क्षार है, अल्कलाई है, उसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, आप सिल्क के कपड़े को बहुत हाई कंसंट्रेट डिटर्जेंट से या सोप से नहीं धो सकते हैं, क्योंकि ये क्षार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेशे पहले क्या होते हैं, बहुत ही पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और धीरे धीरे इस अल्कलाई में घुल करके क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम वूल के इफेक्ट पर देखें, तो वूल पर क्या होता है, रेशा तो पहले चिकना होता है, अगर इस साबुन का यूज करें या सर्फ का, तो चिकना हो जाता है। और लेकिन अगर बहुत ही कंसंट्रेट, हम बहुत ज्यादा तेज सोडे का यूज कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, रेशे घुल जाते हैं, है ना। और अगर डाइल्यूट हम अल्कलाई का यूज करते हैं, तो इसका रंग क्या होता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए बच्चों, आप लोग ये वूल और सिल्क के लिए डिटर्जेंट और सोप का यूज नहीं करते, बल्कि इस वूल के लिए इजी आता है, इजी जो है वो डाइल्यूट जो है उसमें एसिड यूज किया जाता है, इसलिए वूल पर उसका खराब इफेक्ट नहीं पड़ता है। लास्ट वाला हम देखेंगे नायलॉन। चूंकि नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है और हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो तैयार होता है, इसलिए नायलॉन पर अल्कली का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी नायलॉन को हम डिटर्जेंट से, सोप से या किसी भी छार से हम आसानी से धो सकते हैं और इसकी फिनिशिंग ले सकते हैं। इसके बाद कुछ मैनमेड फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर है, उन पर जो है, जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर जो हमारे लैब में तैयार किए जाते हैं या पूरी तरह से केमिकल बेस्ड होते हैं, उन पर कुछ अलग से केमिकल का कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड का यूज अगर 20 डिग्री सी के गर्म घोल में नायलॉन के रेशे को अगर डाल दिया जाता है, तो नायलॉन का रेशा घुल जाता है। यानी कि फॉर्मिक एसिड नायलॉन के लिए बेटर नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरह से है, अगर HCl को हम ले लें, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, तो 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घोल में नायलॉन क्या होता है, घुल जाता है। यानी 20% से कम लेंगे तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर अमाउंट 20% से ज्यादा कर देते हैं या 20% कर देते हैं, तो नायलॉन के रेशे उसमें घुल जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ सिंथेटिक फाइबर ऐसे होते हैं, जैसे पॉलिस्टर, ओरलॉन, डेक्रॉन, इन पर जो है इस एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला है मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल आपके 40 डिग्री सी के गर्म घोल में अगर हम नायलॉन को डालते हैं, तो उस नायलॉन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सारे एसिड और जो अल्कलाइज हैं, इनका यूज ज्यादातर रेशे के फिनिशिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो इसीलिए इन कुछ चुने हुए हमने अल्कलाइज और एसिड का यूज किया है। तो मेटाक्रिसोल भी यूज होता है फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग में मेटाक्रिसोल का अगर हम अप्लाई करते हैं नायलॉन पर, तो नायलॉन पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन पॉलिस्टर घुल जाएगा। और ओरलॉन क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होता है। इसी तरह से अगर हम अगला लेते हैं एसीटोन, तो एसीटोन का अगर हम उबाला हुआ घोल ले लें, तो उसमें क्या होता है, नायलॉन, ओरलॉन और पॉलिस्टर पर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता, यानी एसीटोन को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर पर। फिर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि जो है एक क्षार है, इसका यूज अगर हम करते हैं, तो उसमें क्या, अगर इसको पानी में मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को उबालते हैं और उसमें नायलॉन और लॉन और ये रेशे को अगर मिलाते हैं, तो इन पर तो NaOH का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन अगर पॉलिस्टर पर NaOH का यूज करते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है। इसी क्रम में अगला देख लो, फिनॉल है। फिनॉल क्या है कि अगर हम इसका 90% यूज करते हैं फिनॉल का, तो ये इसमें क्या होगा, नायलॉन जो है पूरी तरह से घुल जाएगा, यानी फिनॉल का हम बहुत ज्यादा यूज आर्टिफिशियल फाइबर पर नहीं कर सकते हैं। जबकि पॉलिस्टर है, ऑर्लॉन है, डेक्रॉन है, ये सब थोड़े से एडवांस है, तो इन पर फिनॉल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये रेशे फिनॉल में किसे किसी तरह से प्रभावित नहीं हो पाते हैं। अगला है डाई मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड। अब ये देखो, अगर इसके 140 डिग्री फारेनहाइट के गर्म घोल में अगर इन रेशो को डाला जाता है, सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर को डाला जाता है, तो ऑर्लॉन है उस पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो रेशा क्या होगा, इस एसिड में पूरी तरह से घुल जाएगा। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक विनियन है, ये रेशे हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे कॉटन, लिनन, जो कि वेजिटेबल फाइबर है, उन पर एसिड का बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। सिल्क वूल पर हम कंसंट्रेट नहीं बल्कि डाइल्यूट एसिड का यूज कर सकते हैं। रेयॉन, नायलॉन पर कुछ रेशों पर इन एसिड्स का इफेक्ट पड़ता है और कुछ रेशों पर नहीं पड़ता है। इसी तरह अल्कली ले ले, हमारा जो क्षार है, तो कॉटन लिनन पर हम क्षार को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सिल्क वूल पर अल्कलाइज को यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नायलॉन भी अल्कलाइज का यूज किया जा सकता है, और इसी तरह से कुछ एसिड्स और अल्कलाइन जो हमारा है वो आर्टिफिशियल फाइबर पर अगर उनका इफेक्ट देखें, तो फॉर्मिक एसिड, SCL, मेटाक्रिसोल, एसीटोन, NaOH, फिनॉल और डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, ये भी रेशे को अलग अलग ढंग से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमको कॉटन और लिनन में डिफरेंस पता करना हो तो क्या करेंगे, तो लिनन और कपास में हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड के थ्रू हम लोग डिफरेंस को पता कर सकते हैं। कपास और लिनन पर अगर जो भी हम क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं, उस फिनिशिंग को पहले हमें हटाना पड़ता है। मान लो हमने कॉटन और लिनन को कलर किया है, रंगा है, तो हमको पहले उस पर से रंग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको हटा करके इन्हें H2SO4 यानी कि जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 को जो है इसमें, इसके हम कंसंट्रेट घोल में डालते हैं, तो कपास का रेशा जो है वो तो घुल जाता है, जबकि लिनन जो है वो अप्रभावित रहता है, क्योंकि ज्यादातर हम कॉटन लिनन में डिफरेंस पता नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप H2SO4 का कॉन्सेंट्रेट घोल बनाइए और उसमें कॉटन के फाइबर को डालिए और लिनन के फाइबर को डालिए। कॉटन का फाइबर होगा वो कंसंट्रेट H2SO4 के घोल में पूरी तरह से घुल जाएगा, जबकि लिनन जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से सिल्क और वूल के आप रेशे में डिफरेंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, ठंडे और कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सिल्क और वूल को डालेंगे, तो किसमें डालेंगे, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो ठंडा रहेगा, तो उसमें हम डालेंगे तो रेशम का जो धागा है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जबकि ऊनी धागा वो घुलता नहीं है, फूल जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस आप पता कर सकते हैं सिल्क और वूल में केमिकल के थ्रू। इसी तरह से अगर 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH उसको बोलते हैं के घोल में अगर रेशम के धागे को डुबोया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, घुलता नहीं है, ठीक, लेकिन वो जैसा का तैसा बना रहता है, यानी सिल्क को अगर उसमें डुबोए तो वो जैसा बना रहता है, लेकिन वहीं पर ऊन का रेशा पूरी तरह से घुल जाता है। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो आप क्या करिए, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, और दूसरा जो है आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH लीजिए, और जो है
इनमें दोनों रेशो को डाल करके आप सिल्क और वूल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, अम्ल द्वारा या वनस्पति और जांतव्य रेशो में कैसे, यानी कि कॉटन लिनन और सिल्क वूल में आप डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपके वेजिटेबल रेशे हैं, है ना, उस पर अम्ल का, एसिड का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसी से आप लक्षण जान लीजिए कि अगर हमें इन दोनों में पहचान करनी है कि कौन सा वेजिटेबल है, कौन सा जो है एनिमल फाइबर है, तो जो कॉटन लिनन वेजिटेबल फाइबर है उस पर अम्ल का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और वनस्पति रेशे अम्ल के प्रभाव से क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा डिफेक्टेड यानी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और प्राणिज्य रेशे यानी कि जो जांतव्य रेशे हैं, एनिमल फाइबर है, इन पर एसिड का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह से अगर 2% H2SO4 ले का घोल ले लें और उसमें आप कॉटन लिनन को डालेंगे तो ये क्या होंगे, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि सिल्क और वूल इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी सी टेक्निक थी कि जिसको हम घर में भी इन केमिकल्स का यूज करके हम एनिमल फाइबर, वेजिटेबल फाइबर, मैनमेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये लेसन जो है समझ में आया होगा। आप इसको बार बार जो है देख करके, पढ़ करके, और कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करिए।